शादी के बाद हेम को भी वो सब मिलेगा जो मुझे मिला है। वो रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, गिड़गिड़ाएगी, मगर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। लगता है इसकी तलाश खत्म हुई। तलाश पूरी हुई मतलब? मुझे लगता है हेम कि इसने खुद को पा लिया है। इसकी याददाश्त वापस आ गई है। प्लीज डॉक्टर महेश, मुझे इसे अपने साथ ले जाने दीजिए। ठीक है हेम। हेम की शादी के फेरे होते ही आनंद तो मेरी मुट्ठी में होगा और मैं उसे जैसे चाहूं वैसे नचाऊंगी। अब देखना यह है उमाकांत कि हेम की तड़पती सूरत आनंदों को तोड़ने में कितना वक्त लेती है। जानते हो उमाकांत, आज से 10 साल पहले मैं आनंदों की चौखट पर खड़ी अपनी खुशियों की भीख मांग रही थी, रोई थी, गिड़गिड़ाई थी। आज फिर इतिहास से एक बार दोहराया जाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आज चौखट हमारी होगी और आनंदो अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांग रहा होगा हमारे सामने। हम जानते हैं देवी चौधरानी जी, आपका वार कभी खाली नहीं जाता। मगर उमाकांत, तुम यहाँ किस लिए? आपको एक खबर देनी थी। कैसी खबर? महेश बाबू के साथ वो लड़की रहती थी ना, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि वो अभी तक जिंदा है। इसका मतलब वो एक्सीडेंट आपने करवाया? उमाकांत, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि फुटपाथ चलने के लिए बनाए जाते हैं, गाड़ी चढ़ाने के लिए नहीं। जोगिन, तुम्हें वो बिल्लू काका याद है? अरे बिल्लू काका जिनके आम के बागीचे, हाँ जिनके आम के बागीचे से तुम आम चुराते थे और वो तुम्हें पकड़ लिया करते थे। हाँ काका, मुझे याद है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। क्या? कि उनको पता कैसे चल जाता था? अरे जोगिन बेटा, उसे तुम्हारे काका ही तो बताते थे। अच्छा, अब मुझे समझ आया, तो वो आप थे। मैं हमेशा सुरेश पे ही शक करता रहता था, क्या मोटे डंडे लेके दौड़ाता था वो। अरे वाह, क्या बात है। आओ बेटा हेम, आओ। आज आप लोग बड़े ही खुश दिखाई दे रहे हो। अरे बॉडी, ये कौन है? ये सुशीला है। सुशीला? कौन सुशीला? हमने तो इनके बारे में कभी नहीं सुना। सुशीला एक एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो बैठी थी। तब से ये महेश बाबू के यहीं पर रह रही थी। अब इसे सब कुछ याद आ गया है। इसका परिवार कहाँ है, इसका पति कहाँ है, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। तो मैंने सोचा कि जब तक इसका परिवार, इसका पति इसे नहीं मिल जाता, ये हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेगी। मगर बॉडी, ये हमारे साथ कैसे रह सकती है? मानती हूँ आप रमेश बाबू के दोस्त हैं, मगर मैं उनकी पत्नी हूँ। कमला, पूछो क्या पूछना चाहती हो। यही कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं।
मुझे जवाब चाहिए। ये तो हमें जानती भी नहीं है। जानती नहीं तो जान जाएगी। सुशीला, ये मेरे बाबा है, ये काका है, और ये छोटा खरगोश जोगिन। लेकिन बॉर्डी, ये हमारे साथ कैसे? बॉर्डी भी कहते हो और बॉर्डी की बात भी नहीं मानते। वैसे सुशीला के यहाँ रहने से तुम्हारा बहुत फायदा है। वो कैसे? मेरी शादी के बाद बाबा और काका तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे कि शादी कर लो, इस घर में कोई लड़की होनी चाहिए इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए। इससे अच्छा तो यही होगा ना कि तुम्हें एक और बॉडी मिल जाएगी। और मेरे जाने के बाद तुम लोगों को मेरी कमी भी महसूस नहीं होगी। हाँ बॉडी, ये ठीक है। जोगिन, तुम सुशीला को घर दिखा कर आओ। आइए सुशीला दी, मैं आपको पूरा घर दिखाता हूँ। लेकिन बॉडी, तुम्हारी शादी से पहले अगर उनका पति मिल गया तो ये घर तो फिर सूना हो जाएगा। ओफो जोगिन, तब की तब देख लेंगे, अभी तुम जाओ। चलिए। जोगिन सही कह रहा था, तुम चली जाओगी और उसके बाद सुशीला भी इस घर से चली गई तो यह घर बहुत सूना हो जाए। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हेम बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बाबा, जब सुशीला की बारात वापस लौट रही थी तब नदी में जोर से तूफान आया और नाव डूब गई थी। काफी लोग मारे गए थे उसमें। बाबा, सुशीला ने खुद अपने पति को पानी में डूबते हुए देखा था। मगर वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि उसका पति इस दुनिया में नहीं है। से आज भी ये उम्मीद है कि वो जिंदा है। कितनी प्यारी बच्ची है दादा, भगवान ऐसा क्यों करता है? आखिर हेम बेटा, सुशीला से सच्चाई आखिर कब तक छुप सकती है? जानती हूँ बाबा, सच ने इसे बहुत गहरे घाव दिए हैं। मगर बाबा, कुछ देर का भ्रम अगर उसे थोड़ी देर खुशियां दे सकता है तो हमें उससे उसकी खुशियां नहीं छीननी चाहिए ना। हेम बेटा, शायद तुम ठीक कहती हो। क्यों आए यहाँ? रमेश बाबू घर पर नहीं है। कमला, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलना मेरी मर्जी है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। कमला, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्यों, बुरा लगा आपको? मुझे भी बुरा लगता है जब आप झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं। तुम गलत समझ रही हो। जैसे काला रंग रोशनी नहीं देता, वैसा गलत सही का मतलब नहीं निकलता। आपने हमेशा मुझे अंधेरे में रखा, अपनी दोस्त की हर बात मुझसे छुपाते रहे, झूठ बोलते रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरी क्या इच्छा है, मेरी क्या उम्मीदें हैं? इसी के चलते मैं आपसे मदद मांग रही थी। मानती हूं आप रमेश बाबू के दोस्त हैं, मगर मैं उनकी पत्नी हूं। कमला, पूछो क्या पूछना चाहती हो। यही कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं।
मुझे जवाब चाहिए। क्या सोचते हैं आप मेरे बारे में? कमला, काश मैं तुम्हें बता पाता, मगर मगर क्या बारिन बाबू, मैं सब समझ गई। जिस जवाब की मुझे तलाश है वो आप मुझे नहीं बता पाएंगे। अब मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। आप ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि प्यार में पड़ना क्या होता है। इसके लिए प्यार करना जरूरी होता है। तुमने सही कहा कमला कि मुझ में प्यार की समझ नहीं है। अगर होता तो किसी के दिल में अपने लिए प्रेम जगा लेता। मैं जानती हूं इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है। तुम नहीं समझ पाओगी और ना ही मैं तुम्हें समझा पाऊंगा कि मैं क्या चाहता हूं। मेरे एक सवाल का सही सही जवाब देंगे? क्या मैं इतनी बुरी हूं कि मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा? कमला, मैंने तुमसे पहले भी कहा है और आज फिर कहता हूं कि तुम में सारी बातें हैं जो एक पति अपने पत्नी में देखना चाहता है। बार बार ये सवाल करने की वजह है बारिन बाबू, रमेश बाबू की जिंदगी में कोई और भी लड़की है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख, किसी से मिलकर बिछड़ने का क्या दर्द होता है मैं जानती हूँ, मगर उसके बाद उससे मिलने की जो खुशी होती है इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये तुमसे किसने कहा? किसने भी कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, और जिसने मुझे कहा कम से कम वो मुझे अपना तो मानता है। आपकी तरह नहीं कि अपना बना लो और धोखा दे दो। मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ कमला। बारिन बाबू, सच छुपाना धोखे का दूसरा रूप है। मानती हूँ आप रमेश बाबू के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर आपको ये भी पता होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। कमला, मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई सच्चाई है। मैं और रमेश बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रमेश के निजी मामले की जानकारी रखता हूं। ओह, अच्छा कि आपने बता दिया, आप उनके निजी मामले में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। तब तो आपको यहां भी नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि किस मतलब से आप यहाँ आए हैं। क्या लगती हूँ मैं आपकी? आपका यहाँ होना इस बात को साबित करता है कि आप कितने गलत हो। शायद आप ये भूल रहे हैं कि मैं रमेश बाबू की पत्नी हूँ। मुझसे ज्यादा निजी क्या हो सकता है उनकी जिंदगी में? आज मुझे एक बात समझ में आ गई है, एक पुरुष एक औरत को कभी नहीं समझ सकता। और आप उनमें से एक हो। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, चले जाइए यहां से, जाइए अपने दोस्त का साथ निभाइए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसी का दिल टूटे या अरमान। ये मेरा कमरा है और तुम्हारा भी,
कुछ दिनों में मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद इस पर पूरा तुम्हारा ही हक होगा। तब तक के लिए तुम्हें मेरे साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। हक जताने तो बीच में मैं आ गई हूँ, जो आपका है उसे अपना बना लिया है। इसे तो किस्मत कहते हैं। भगवान कब किसके साथ किसकी किस्मत जोड़ देता है ये कोई नहीं जानता। सही कहा आपने, उससे ज्यादा किस्मत का खेल किसने देखा है। जिनके साथ सात जन्म निभाने का सात वचन लिया, एक तूफान ने सात घंटे भी साथ नहीं रहने दिया हमें। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख, किसी से मिलकर बिछड़ने का क्या दर्द होता है मैं जानती हूँ, मगर उसके बाद उससे मिलने की जो खुशी होती है इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे पति से दूर रखा है, इसमें जरूर कोई ना कोई वजह होगी। हेम जी, आपके होने वाले पति क्या करते हैं, उनका क्या नाम है, क्या वो भी कलकत्ता के रहने वाले हैं? बताऊंगी, सब बताऊंगी, अभी फिलहाल तुम आराम करो, हम फुर्सत से बैठकर एक साथ अच्छे से बातें करेंगे, ठीक है? अभी तुम आराम करो। हेम जी, आप बहुत अच्छी हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, मुझे सहारा दिया। कौन करता है ये सब आजकल, कौन देता है किसी अजनबी को सहारा? कौन कहता है कि तुम अजनबी हो, तुम तो मेरी अपनी हो, हम में से एक। और तुमने देखा नहीं, तुम्हारे आने से काका और बाबा कितने खुश हुए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद तुम उन्हें मेरी कमी कभी महसूस नहीं होने दोगी, है ना? चलो अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो, मैं थोड़े घर के कामकाज निपटा कर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ घर के कामों में हाथ बटाने। तुम कैसे काम कर सकती हो, आई मीन तुम अभी अभी आई हो ना, अच्छा थोड़ी ना लगता है मैं तुमसे काम करवाऊं। तो मैं भी यहाँ मेहमान बनकर नहीं रहूंगी, और वैसे भी घर के कामकाज करना मुझे अच्छा लगता है। घर के लोगों की पसंद नापसंद जान पाऊंगी और उन्हें अपना पाऊंगी। ठीक है बाबा, चलो मेरे साथ। आज तक उन्होंने जो भी कहा है वो सब सच निकला है। आशा आशा आशा, तंग आ गया हूं मैं ये नाम सुनकर। आखिर वो चाहती क्या है, वो होती कौन है मेरे घर के मामले में बोलने वाली? आइए खाना खा लीजिए। तुम भी बैठ जाओ, खाना खा लो। मैं खाऊं या ना खाऊं इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों नहीं खा रहे? मैं खाना खाऊं या ना खाऊं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी जिसे जो करना है वो करे, मैं क्यों परवाह कर रहा हूं? आपने कब परवाह की? आज तक आपने वही किया जो करते आ रहे हैं, जो करेंगे। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे आपकी सारी सच्चाई पता चल गई है, आज तक आप क्यों झूठ बोलते रहे, क्यों मुझसे दूर दूर है? देखो कमला, बातों को घुमाओ फिराओ मत, साफ साफ बोलो तुम कहना क्या चाहती हो। ठीक है, मैं आपकी क्या लगती हूं, क्या रिश्ता है हमारा? कमला ये कैसा सवाल है? आपको याद है
एक दिन बारिन बाबू मुझे रात को घर छोड़ने आए थे तो आपको कितना बुरा लगा था, तो जरा सोचिए मुझे कितना बुरा लगा होगा जब मुझे ये पता चला कि आपके जीवन में कोई और भी लड़की है। क्या सोच रहे हैं आप बताइए, सच है ना? अब कमला तुम्हें ये बात किसने बताई? किसने भी कहा, सच है ना? तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। किसने कहा तुमसे ये सब? कमला किसने कहा तुमसे ये सब, जवाब दो। आशा ने देखा था आपको किसी लड़की के साथ, उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरह से आप क्लब में एक लड़की का हाथ पकड़े हुए बैठे थे। चुप रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं जानती। आशा ने कहा और तुमने मान लिया, कोई कुछ भी कहेगा तो तुम मान लोगी? हाँ नहीं, मगर वो झूठ क्यों बोलेंगी? आज तक उन्होंने जो भी कहा है वो सब सच निकला है। आशा आशा आशा, तंग आ गया हूं मैं ये नाम सुनकर। आखिर वो चाहती क्या है, वो होती कौन है मेरे घर के मामले में बोलने वाली? जब देखो तुम्हारे कान भरती रहती, मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देती, क्यों पड़ी है मेरे पीछे? तुम अचानक आज यहां से चली गई, घर तुम्हारे बिना बहुत खाली खाली सा लग रहा है। वैसे वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है तो। महेश बाबू, आपके घर से जुड़ी मेरी यादें अब तक ही सीमित हो गई। ये घर जितना मेरे लिए अजनबी है, आपका घर उतना ही मेरे लिए अजनबी हो गया। हाँ सुशीला, सही कहा तुमने, मगर वहां तुम्हें कैसा लग रहा है? यहाँ के लोगों ने तो मुझे अपना ही चुके हैं, अब बहुत जल्द इस घर को भी मेरी आदत हो जाएगी। जानकर खुशी हुई कि तुम वहां खुश हो, मगर याद रखना कि अपनी दवाइयां टाइम पर देती रहना, ठीक है?